ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ वो रॉ था जब सीएम पंक 10 सालों बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर आए और सीएम पंक के साथ ही साथ हमें बहुत सारे रेसलरों का हमें न्यू रेवलरी देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ को। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रोड टू रेसलमेनिया रेवलरी सीएम पंक का, इसके अलावा और भी बहुत सारे रेसलरों का आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई बस अगर चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे जैसे हमें आज का मंडे नाइट रॉ देखने को मिला था उसी तरीके से मैं आपको एक एक करके सारे स्टोरी लाइन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता अपने द वाइपर रैंडी ऑर्टन के स्टोरी लाइन के बारे में। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर ये चीज बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन अब जजमेंट डे के साथ रेवलरी करने वाले आज के रॉक ऊपर आप लोगों ने देखा भाई डब्ल्यू वाले ने इनको ऑलरेडी मैच भी करा डॉम डॉम के साथ, जिस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन विन भी कर। तो इसके बाद जब नेक्स्ट रॉ होगा तो आपको जजमेंट डे की तरफ से आपको फिर से अटैक देखने को मिलने वाला रैंडी ऑर्टन के ऊपर, ये चीज 100% कंफर्म। और हाँ सबसे खुशी वाली बात ये कि भाई मतलब रैंडी ऑर्टन एज ए फुल टाइमर है तो आपको एज ए फुल टाइमर ही देखने को मिलने वाला। पर्सनली भाई मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इसके रिगार्डिंग क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ का 3 घंटा का रॉ मतलब सच में भाई कवर करना बहुत मुश्किल हुआ करता। तो मेरे ख्याल से भाई जहां तक मेरा आइडिया अभी से लेकर रॉयल रंबल तक रैंडी ऑर्टन का रेवलरी जजमेंट डे के साथ ही चलने वाला। रॉयल रंबल के बाद डब्ल्यू वाले में भी उनको रोड टू रेसलमेनिया में थोड़ा सा अच्छा बुक करने वाले। वैसे भाई अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं तो भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, डब्ल्यू वाले रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत कुछ खास नहीं करने वाले। जिस तरीके का ट्रीटमेंट वो सीएम पंक को डब्ल्यू वाले देंगे उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर मतलब दिया नहीं जाएगा रैंडी ऑर्टन के साथ। रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से नॉर्मल रेवलरी करें उसी तरीके से बस सिंगल रेवलरी करके बाकी रेसलरों को ओवर करते रहेंगे और मे भी बहुत कम चांसेस है कि रैंडी ऑर्टन आपको 2024 के अंदर भी मतलब चैंपियन देखने को मिले क्योंकि भाई अब रैंडी ऑर्टन का क्रेज घट चुका है, डब्ल्यू वाले अब उतना भी इनको सीरियसली नहीं लेती है। तो भाई आप लोग फिर से इस बात को सुन लो, रैंडी ऑर्टन का रेवलरी करेंट टाइम में जजमेंट डे के साथ ही चलने वाला रॉयल रंबल। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग क्रीड ब्रदर्स का बात करें तो भाई मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, इन लोग टैग टीम चैंपियनशिप मतलब कुछ भी विन नहीं करने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस टाइम पास के लिए इनको नंबर वन कंटेंडर बना दी इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा इनके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। वैसे नेक्स्ट अगर हम लोग संदीप महेश्वरी के बारे में बात करें तो भाई आज के रॉक ऊपर कोडी रोड्स ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। कोडी रोड्स वो पहले बंदे जो कि रॉयल रंबल होने के 2 महीने पहले ही खुद को एडवर्टाइज कर दें कि वो रॉयल रंबल के अंदर आने वाले। भाई जहां तक मुझे लगता है भाई कोडी रोड्स नंबर 1 पर उतरने वाला रॉयल रंबल के अंदर क्योंकि भाई इससे पहले ब्रॉक लेसर यही सेम काम किए थे। आपको अगर याद हो तो मे बी 2020 के अंदर ब्रॉक लेसर खुद को एडवर्टाइज कर दिए थे, ब्रॉक लेसर नंबर 1 पर उतरे थे, उसके बाद उनको ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट किए। तो कोडी रोड्स भी मेरे ख्याल से नंबर 1 पर जाने वाले। साथ ही साथ मैं आपको इस बात को बता दूं भाई कोडी रोड्स का बहुत कम चांसेस है रॉयल रंबल विन करने का इस बार। वैसे इनका अगर हम लोग करंट टाइम में स्टोरी लाइन का बात करें तो भाई इनका स्टोरी लाइन करंट टाइम में शुरू हो चुका है हमारे सिंसुके नाकामुरा के साथ। मैं इस स्टोरी लाइन के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से एज यूजुअल इनका स्टोरी लाइन चलाने वाले। देखो बात बहुत सिंपल है, कोडी रोड्स करंट टाइम भाई बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं, डब्ल्यू वाले इनको बहुत ज्यादा ओवर कर दिए। ये बात आपको भी पता है कि डब्ल्यू वाले इनका स्टोरी लाइन क्यों दिखा रहे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर सिंसुके नाकामुरा को हारना है, कोडी रोड्स के लिए करंट टाइम में कोई भी अपोनेंट बचा नहीं, इसलिए डब्ल्यू वाले सिंसुके नाकामुरा को यहाँ पर मजबूरी में लाकर डाले। मेरे ख्याल से अभी से लेकर रॉयल रंबल तक डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स के साथ ही मतलब रेवलरी सिंसुके नाकामुरा का करवाने वाले। रॉयल रंबल के बाद आपको पता ही भाई रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होगा जिसके अंदर इनका रेवलरी फाइनली रोमन रेंज के साथ स्टार्ट होने वाला है। मे बी आपको बोरिंग लगे या फिर जो लगे पर हाँ आपको अभी से लेकर रॉयल रंबल तक आपको सिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलने वाला। वैसे आप लोग सारे लोग दिल से बताना क्या आप इंटरेस्टेड हो इस स्टोरी लाइन को देखने में, सारे लोग बताएगा इस बात को जरूर। वैसे इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस के बारे में बात करें तो भाई आज के रॉक ऊपर हमें सेथ रॉलेंस का भी न्यू ओपोनेंट देखने को मिल चुका है। वो हमारे न्यू ओपोनेंट या फिर ओल्ड ओपोनेंट हमारे ड्रू मैकइंटायर है जिनके साथ इनका फिर से रेवलरी देखने को मिलने वाला। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ टाइम पहले इस बात को ऑलरेडी बताया था कि भाई सेथ रॉलेंस को फिर से चैलेंज करने के लिए आ सकते हैं हमारे ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि सबसे पहले इनका फिन वेलर के साथ लगातार 2 मैच हुआ था, उसके बाद सिंसुके नाकामुरा के साथ लगातार 2 मैच हुआ था। अब तो ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर एक हील कैरेक्टर बन चुके हैं तो डब्ल्यू वाले डेफिनेटली इनके बीच में रेवलरी करेगी ही करेगी। वैसे भाई अगर हम लोग मुद्दे के बात पर आए तो भाई अगर आपको ये लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर शायद से सेथ रॉलेंस को हरा सकते हैं तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। देखो नेक्स्ट रॉक ओवर जब जेउस और सेथ रॉलेंस का मैच होगा तो उस मैच के अंदर मे बी आकर ड्रू मैकइंटायर अटैक कर सकते हैं सेथ रॉलेंस को, सिंपल उसके बाद आपको सेथ रॉलेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच में आपको रेवलरी देखने को मिलेगा रॉयल रंबल। हाँ यहाँ पर भाई ड्रू मैकइंटायर का चैंपियन बनने का 1% भी चांसेस नहीं है क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले सेथ रॉलेंस के लिए बहुत बड़ा कुछ सोच रही है। आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो सीएम पंक साफ तरीके से इस बात को बोल रहे थे कि मेरे आने से कुछ लोग यहाँ पर मतलब खुश नहीं है। साथ ही साथ भाई आप लोगों ने अगर सेथ रॉलेंस का प्रोमो देखा होगा तो भाई सेथ रॉलेंस जैसे आते पूरा एरिना सीएम पंक का चैंट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा सेथ रॉलेंस गाली भी देते हैं सीएम पंक को, सीएम पंक भी अपने प्रोमो के अंदर सेथ रॉलेंस का भर भर का जिक्र करते हैं। मतलब भाई यहाँ से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको सेथ रॉलेंस और सीएम पंक का मैच देखने को मिलेगा। सीएम पंक अपने प्रोमो के अंदर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए, और मे बी इनका जो ड्रीम होने वाला है सेथ रॉलेंस को हराकर रेसलमेनिया 40 के अंदर हैवीवेट चैंपियन बनने का। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई शायद से सीएम पंक को हैवीवेट चैंपियन बना भी सकते हैं क्योंकि भाई सीएम पंक रॉयल रंबल विन करने वाले अकॉर्डिंग टू करंट रिपोर्ट। और हां सीएम पंक अगर हम लोग करंट टाइम का स्टोरी लाइन का बात करें तो भाई अभी इनके सामने मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले कोई छोटा मोटा अपोनेंट इनके सामने डाल देगी लाकर। आपको नेक्स्ट रॉक ऊपर देखने को मिलेगा डब्ल्यू वाले इनके साथ कौन से अपोनेंट को इनके सामने लाने वाले, पर हाँ कोई छोटा मोटा अपोनेंट ही रहेगा बस सीएम पंक के साथ। जैसे ही रॉयल रंबल 2024 होगा आपको सीएम पंक और सेथ रॉलेंस के बीच में आपको वहीं से गड़बड़ देखना शुरू हो जाएगा। हाँ ये चीज भाई बिल्कुल 100% कंफर्म है कि भाई आपको
सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ही देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर हम लोग डेवन प्रेस का मनी इन द बैंक कैसिन का बात करें तो भाई मुझे नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला, पर हाँ मुझे जहां तक लगता है इनका मनी इन द बैंक कैसिन शायद से फेल होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस का टारगेट आपको भी पता भाई बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो डब्ल्यू वाले इस बीच में इनके हाथ से चैंपियंस वर्ल्ड को मेरे ख्याल से नहीं लेने वाला। भाई सही में नहीं समझ में आ रहा इनका मनी इन द बैंक के साथ क्या होने वाला, डब्ल्यू वाले इतने टाइम तक मतलब रख के भाई अगर मनी इन द बैंक कैसिन फेल करवाती तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा चीज होगा इनके साथ। मे बी डब्ल्यू वाले के पास करंट है कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि भाई सामने जो बंदा खड़ा वो सीएम पंक खड़ा है। वैसे एक और सवाल कल के कमेंट सेशन के अंदर मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अब रोमन रेंस के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब सीएम पंक वापस आ चुके हैं तो डब्ल्यू वाले शायद से रोमन रेंस को उतना वैल्यू ना दे, या फिर रोमन रेंस के हाथ से क्या चैंपियंस बेल्ट भी जाने वाला है सीएम पंक के आने के बाद, या फिर रोमन रेंस का टाइटल रन क्या उतना लंबा नहीं होने वाला। भाई मैं आपके हर सवाल का सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ, सीएम पंक या फिर रैंडी ऑर्टन के आने के बाद रोमन रेंस को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। रोमन रेंस के लिए डब्ल्यू वाले जिस जिस स्टोरी लाइन को प्लान किए सेम वही स्टोरी लाइन चलने वाला है। रोमन रेंस को कोडी रोड्स को फेस करना तो कोडी रोड्स को ही फेस करने वाला। ऐसे भी अगर हम लोग सीएम पंक या फिर रैंडी ऑर्टन का बात करें तो भाई दोनों मंडे नाइट रॉ के ऊपर रहने वाला, स्मैकडाउन के ऊपर राज रोमन रेंस का ही रहने वाला। मैं आपको फिर से बता दूं भाई रोमन रेंस के स्टोरी लाइन में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला सीएम पंक के आने के बाद। सीएम पंक और रोमन रेंस का भी स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं देखने को मिलेगा आज के एक या डेढ़ साल बाद देखने को मिलेगा, पर हां मिलेगा। वैसे भाई अगर आपके माइंड में अगर और कोई सवाल है तो भाई सारे लोग कमेंट में हैशटैग करके पूछ लेना, कल शाम को मेरे चैनल के ऊपर क्यूएनए वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हां वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।